नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, आज एक दुखद खबर के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करने चल रहे हैं। दो हफ्ते पहले ही ये जानकारी सामने आई थी कि एक्टर जूनियर महमूद स्टेज 4 के कैंसर की जंग लड़ रहे हैं। गुरुवार रात उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया। कैंसर से जूझ रहे दिग्गज अभिनेता जूनियर महमूद का गुरुवार रात 67 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में अपने घर पर आखिरी सांस ली। अपने 5 दशक से सबसे ज्यादा लंबे करियर में जूनियर महमूद ने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है, अपनी एक्टिंग और कॉमेडी का लोहा मनवाया। दो हफ्ते पहले ही ये जानकारी सामने आई थी कि एक्टर स्टेज 4 के कैंसर की जंग लड़ रहे हैं। गुरुवार रात उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसके बाद उनका निधन हो गया। जूनियर महमूद ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर शुरुआत की थी। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कटी पतंग, मेरा नाम जोकर, परवरिश और 2 और 2 5 समेत कई फिल्मों में काम किया। जूनियर महमूद ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर के रूप में फिल्म नैनीहाल से की, जिसमें संजीव कुमार, बलराज सहानी और इंद्राणी मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। 1967 में रिलीज हुई नैनीहाल से लेकर अब तक एक्टर ने जूनियर महमूद ने नाम से ही इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने के अलावा एक्टर ने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया है। बीमारी की हालत में जूनियर महमूद ने एक्टर जितेंद्र और सचिन को मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद एक्टर उनसे मिलने पहुंचे थे। गुरुवार को कॉमेडियन और अभिनेता जॉनी लीवर ने भी जूनियर महमूद से मुलाकात की। जूनियर महमूद ने अपने करियर के दौरान जितेंद्र और सचिन दोनों के साथ ही कई फिल्मों में काम किया। सचिन और जूनियर महमूद ने बचपन, गीत गाता चल और ब्रह्माचारी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। फिल्मों के अलावा देश और विदेशी में कई स्टेज शो का हिस्सा भी रहे हैं। वेल दोस्तों, आप भी जूनियर महमूद के निधन पर उनके लिए RIP लिखना ना भूलें। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।